जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है प्यारे बच्चों हम आप सभी को वेलकम करते हैं आज के खूबसूरत वीडियो में हम अपना लेक्चर शुरू करें इससे पहले कि आपको थोड़ा एनर्जाइज करें आपके अंदर जी आपके अंदर एनर्जी पैदा हो जाए और उसके बाद लेक्चर कमाल का चलेगा आगे शायर ने क्या लिखा है शायर कहता है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है संग हर शख्स ने उठा रखा है संग माने पत्थर जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी है उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी है नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है तो अब टेंस समझेंगे सबसे ज्यादा क्योंकि आप पढ़ाएंगे इंजीनियर से ज्यादा तो, तो पीछे जो लेक्चर तो हमने पड़ा पीछे तो देखो अरे जो पीछे पढ़ा है लेक्चर उसको देखो लास्ट में हमने कहां तक पढ़ा है लास्ट में हमने पढ़ा कि टेंसिस का ओरिजिन क्या है क्लासिफिकेशन क्या है टेंसिस कहते किसे हैं इंग्लिश में टेंसिस आए क्यों है होते कैसे हैं करता क्या है द के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था तो आज के इस खूबसूरत वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दो स्टोर की क्लासिफिकेशन एक एक करके सब टेंसर को पढ़ेंगे इनके रूल्स इनके यूजेज कहा लग सकते हैं कहां नहीं लग सकते हैं इसके बारे में अंग्रेज का बच्चा क्या बोलता है तो आज की वीडियो में देखते हैं पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बोलो एक तो बड़ा है टेंसेस का ओरिजिन इसकी क्लासिफिकेशन ओके आज के खूबसूरत हम लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस विद देयर रेस्पेक्टिव टू सिंटेक्सेस ठीक है आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विद देयर रेस्पेक्ट टू सिंटेक्स मैंने वीडियो में कहा, कह कहा लफ्जों की तरतीब आप रखते हैं उस तरतीब का नाम है सिंटेक्स मान लीजिए सर क्या तरतीबाद बात कर रहे हैं आप सिंटेक्स हमने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भाई

आप बोलेंगे सर सिंटेक्स ही होता है जो टेंसिस के फ्यूचर को डिसाइड करता है तो आइए देखते हैं अब हम को ये देखिए कमाल की स्लाइड है इंग्लिश टेंसिस पार्ट्स पैटर्न यूज इन एग्जाम्पल हमारे पास प्रेजेंट में तीन नहीं चार टेंसिस हैं ये जो मैं कह रहा हूं आपको सुनिए सुनो मेरे बच्चों ये जो इंग्लिश टेंसेस में कह रहा हूं आपको इसमें जो हमारे पास टेंस, टेंस और, है प्रेजेंट टेंस पास और प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है परफेक्ट टेंस है अभी मैं जो बात करूंगा सिर्फ इन दो की ये फर्स्ट टेंस हमारे पास है सेकंड ये है और थर्ड जो हमारे पास है वी कॉल दैट इज ए फ्यूचर टेंस एक्चुअली सम ग्रामरियंस से कुछ ग्रामरियंस का ये मानना है कि ग्रामर में असल में दो ही टेंसिस है एक प्रेजेंट है एक पास्ट है और फ्यूचर जो है दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंट टेंस मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि फ्यूचर टेंस कैसे बनता है आप खुद बोलेंगे सर प्रेजेंट टेंस की ही एक्सटेंशन का नाम क्या है फ्यूचर टेंस है अब देखिए प्रेजेंट टेंस है पास्ट है फ्यूचर है दिस ऑल टेंसिस और अकॉर्डिंग टू द ये है टाइम है, है, हमारे पास जो होता होता तीन और जब हम बात करेंगे टाइम ऑफ एक्शन की भाई ये एक्शन क्या प्रेजेंट में हुआ पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ सो so, वो टेंस जिसका टाइम ऑफ एक्शन ओनली प्रेजेंट होगा प्रेजेंट टेंस कहलाएगा वो वो, वो टेंस सर वो वो क्या कर रहा है बोलिए तो सही वो टेंस जिसमें टाइम ऑफ एक्शन ओनली होगा पास्ट क्या बोलेंगे बोलो पास्ट टेंस वो टाइम वो टेंस जिसमें टाइम ऑफ एक्शन ओनली क्या होगा फ्यूचर तो क्या कहेंगे फ्यूचर टेंस तो दीज आर थ्री टेंसेस ऑन द बेस ऑफ टाइम ऑफ एक्शन क्लियर है आइए हम अब इनके अलग-अलग सिंटैक्सिस -अलग को देखेंगे ये टेंसेस बनते कैसे नंबर वन मैं यहां पर लिखूंगा सिंटेक्स ऑफ टेंसेस ध्यान से आपने पढ़ना है बच्चों बात करूंगा मैं प्रेजेंट टेंसेस की आप जानते हैं प्रेजेंट टेंसिस में हमारे पास चार टेंस होते हैं एक होता है सिंपल दूसरा है कॉन्टिन्यूस तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ठीक है बच्चों मिल के बोलो हाँ सर हमारे पास जो है टेंसिस चार तरह के होते हैं प्रेजेंट में चार है तो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों ये जो प्रेजेंट है ये जो सिंपल है कॉन्टिन्यू परफेक्ट और आर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ एक्शन क्या है स्टेट ऑफ एक्शन

वेरी गुड दूसरी बात अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इसमें जो सिंटेक्स बनता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है इसका सिंटेक्स है और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे इसका सिंटेक्स क्या बनेगा बोलिए बच्चों ठीक है बच्चो। लिखिए और लास्ट में एक बचता इसका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसका जो सिंटेक्स है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम क्लास दिस इज टाइम क्लास तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमने कहा कि प्रेजेंट टेंस में हमारे पास चार स्टेट्स होती है सिंपल कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बाय द प्रेजेंट सिंपल टेंस वी मीन कि इसमें जो टाइम ऑफ एक्शन है वो प्रेजेंट है और सिंपल क्या है इसकी स्टेट ऑफ एक्शन है तो ये बनता कैसे है सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं की first form या ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में आता है इज एम आर वो फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पर आता है has have, वो की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में आता है की एडजस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं अभी इसके अंदर इसके अंदर क्या-क्या मोतीया क्या, -क्या, मोती क्या पर्ल्स है वो तो अब खुल जाएंगी ये तो ट्रेलर है दोस्त अभी तो लेक्चर बाकी है सुनिए ये यहां तक तो हो गया प्रेजेंट सिंपल परफेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर ये जो डिफरेंट टेंसेस है ये अंदर इनकी डेप्थ क्या है आप तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ अब मैं इसमें से खाली एक को चूज कर लेता हूं कौन सा प्रेजेंट सिंपल को ठीक है इससे पहले प्रेजेंट सिंपल बताएं हम बाकी जो तो भी टेंसिस है उनके भी थोड़े-थोड़े सिंटेक्स आपको बता दूं कि वो कैसे दिखते कैसे हैं क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था टेंसिस क्या होते हैं टेंसिस ग्रामर का वो डिपार्टमेंट है वो कैटेगरी है जो दो चीजें बताती है टाइम ऑफ एक्शन एंड सेकंड इज स्टेट ऑफ एक्शन होते क्या है एक्चुअल में सिंटेक्स होते हैं सिंटेक्स देखिए ना यहाँ पे सिंटेक्स अलग है यहाँ पे सिंटेक्स अलग है यहाँ पे सिंटेक्स अलग है, है सभी टेंस जो भी ये चार स्टेट्स है इनके सिंटेक्स अलग है इसका मतलब है सिंटेक्स ही डिसाइड करेगा इसका नेचर ऑफ टाइम क्या है टाइम का नेचर कौन सा प्रेजेंट में है, पास्ट में फ्यूचर में और सिंटेक्स ही डिसाइड करेगा इसकी स्टेट कौन सी है देखिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई फिफ्थ फॉर्म आई तो इन्होंने बतला दिया कि ये प्रेजेंट सिंपल है यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई इसने बतलाया इसकी जो स्टेट है वो कॉन्टिन्यूस है इस एम आर ने बताया कि ये प्रेजेंट है यहाँ पर हैज हैव ने बताया कि ये प्रेजेंट है और परफेक्ट इसने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म ने तो प्यारे बच्चों मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं सुनिए यहां पर हैज हैव जो है ये हैज हैव प्रेजेंट है और जो ये हमारे पास बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये बतलाता है कि ये कंटिन्यूस स्टेट में है ये हैज हैव प्रेजेंट है क्या है प्रेजेंट में है और बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये मुझे इसकी स्टेट बताता है यहां तक आप समझ गए ना प्यारे बच्चों शाबाश कहते हैं शायर कहता है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है वाह 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 कमाल की शेरी है ओहो क्या बात है अब अब मेरी दीद की दुनिया भी तमाशाई है तूने क्या मुझको मोहब्बत मुझ में बना रखा है यहां तक आप समझ रहे हैं ना एंटरटेनमेंट हो रहा है आगे चलते हैं ये तो चार सिंटेक्स मैंने बताए आपको प्रेजेंट टेंस के आइए पास्ट के सिंटेक्स डिस्कस करते हैं पास्ट में देखो पास्ट सिंपल में पास सिंपल का सिंटेक्स पास सिंपल का सिंटेक्स सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है वेरी गुड सर पास पास कॉन्टिन्यूस का बोलिए पास कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा पास कॉन्टिन्यूस में आता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर आता है और उसके बाद आता है बच्चों वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है यहां तक उसके बाद आप देखिए हमारे पास है पास परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप सिमिलैरिटीज देख रहे हैं आप जो पीछे हमने पढ़े थे पीछे तो देखो जो हमने पढ़े थे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस परफेक्ट और इनका मैच देखिए वहां पर प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की पहली फॉर्म और पांचवी फॉर्म है यहां पर केवल ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म है वहां पर इज एम आर है

दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं होती अरे दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं होती इतनी बड़ी खैरात इतनी बड़ी दौलत खैरात में नहीं मिलती बोलो वाह बोलो आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैज आएगा नो सर हैज नहीं आएगा अगर हैज आएगा तो ये प्रेजेंट से फास्ट बन जाएगा सो अगर हैज आया तो प्रेजेंट होगा लेकिन यहाँ पर हम

पास्ट में चार है इनकी सेंटेक्सिस अलग अलग है अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर ये तो मैं जस्ट आपको इनका पहचान बताता हूँ इनका मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं। अरे भाई टेंसिस दिखते कैसे हैं पहले आपको मेरा बूथा दिख रहा है तभी तो बोलेंगे ये तो ये ये सर अलग है मैथ वाले है वो फिजिक्स वाले है कैसे जब हमारा बूथा आपके सामने है तो ये जो ये टेंसिस का भी बूथा है आप ये समझ गए तो आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर बोलो क्या पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा समझ में आया पूरा पूरा समझ में आया क्या आया बोला बोला शाबाश आगे अब आएंगे कौन सा आएगा फ्यूचर सुनिए आप फ्यूचर में मैंने आपको बोला था मैंने बोला था मैंने बोला था क्या मैंने बोला था बोलो मैंने बोला था जो प्रेजेंट टेंसेस है इन ही प्रेजेंट टेंसिस की एक्सटेंशन का नाम है फ्यूचर टेंसिस बोलो क्या बोला सर ने सर ने बताया है कि प्रेजेंट टेंसिस की एक्सटेंशन का नाम फ्यूचर सिंप फ्यूचर टेंसेज है फ्यूचर टेंसेज है प्रेजेंट टेंसिस की एक्सटेंशन का ही नाम है फ्यूचर टेंसिस अंग्रेज का बच्चा बोलता है टेंसिस दो ही तरह के हैं मैंने पूछा कौन कौन से बोला प्रेजेंट और फ्यूचर होते हैं क्या बोलता है प्रेजेंट और फ्यूचर होते मैंने मैंने कहा कहा भाई प्रेजेंट और पास्ट होते मैंने कहा फ्यूचर कहा गया। बोला फ्यूचर गया तो तेरे पास आपको भी समझ में नहीं ना अंग्रेज के बच्चे को बोलेंगे खड़ा है समझा पहले तो समझाने आया क्या बोलता अंग्रेज का बच्चा बोलते होता अच्छा जी ये होता है ओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम अभी तो बोले थे सब्जेक्ट प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आती है तो आपका बनता है फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल क्या बनता है बोलो प्रेजेंट सिंपल इसी को बोलते हैं ना ये होता है प्रेजेंट सिंपल हाँ सर अच्छा ये तो फ्यूचर सिंपल है अब आप खुद समझेंगे एक्सटेंशन है कि नहीं बोलो बोलो मेरे बच्चों यहां पर सब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया विल ऐड किया शेल लगाया और फिर वर्ब की पांचवी फॉर्म को डिलीट कर दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया अब मुझे आप बताइए ये भी तो प्रेजेंट सिंपल में ये भी तो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है ना होता है ना वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाइए आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाइए या फर्स्ट फॉर्म लगाइए आपको क्या बनता है प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या बनता है बोलो बच्चों ये होता है प्रेजेंट सिंपल वो आपकी पहली फॉर्म लाइए या फिफ्थ फॉर्म लाइए आपका बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस लेकिन इसी में हमने क्या करा हमने सिंगुलर फॉर्म को एलिमिनेट करा हमने खाली पोलुलर फॉर्म को लिया विल सेल को ऐड कर दिया यानी कि हमने इस वाली फॉर्म ये जो प्रेजेंट सिंपल है इसमें एक्सटेंशन में लगाया विल और शेल जब हमने एक्सटेंशन में विल और शेल लगाया तो हमें क्या बना हमें बन गया फ्यूचर सिंपल इसी तरीके से दोस्तों याद रखना है और भी फ्यूचर टेंसिस है जो प्रेजेंट टेंसिस के ही एक्सटेंशंस है क्लियर हुआ वेरी गुड आगे चलिए मेरे प्यारे मेरे बच्चों सुनिए फ्यूचर सिंपल को हमने अब क्या रखा यार फ्यूचर सिंपल या में? में. में क्या होता है सर सब्जेक्ट के बाद विल या शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है किसमें फ्यूचर सिंपल में आप सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बोलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या आता है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है अच्छा जी हमारे और उसके बाद अब आएगा फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है बोलिए सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है बच्चों वेरी गुड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब देखिए जरा जो हमारा फ्यूचर सिंपल है फ्यूचर सिंपल में मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद क्या था विल शेल विल शेल तो हर जगह आएगा जहां फ्यूचर होगा विल शेल आएगा विल शेल क्या है इट्स ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे बी आया फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहां पे हैव आया वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद आएगा लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन में क्या आएगा बोलो सब्जेक्ट प्लस बोलिए ना विल शेल आएगा फिर आएगा हैव प्लस आएगा बीन प्लस आएगा वो की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आएगा टाइम क्लास ठीक है बच्चों नोट कीजिए आप समझ गए मेरे बच्चों वेरी गुड सर देखिए मैं आपको और क्लैरिफाई करता हूँ ये टेंसेज का मामला क्या है ये टेंसेज अब समझ में आएंगे सबसे ज्यादा क्योंकि आप पढ़ाने आए हैं इंजीनियर से ज्यादा सुनिए दोस्तों यहाँ पर विल और शेल जो है ना ये हमें बताता है टाइम ऑफ एक्शन क्या बताएंगे टाइम ऑफ एक्शन ये हैव बीन जो है ना हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये हमें बताता है स्टेट स्टेट ऑफ ऑफ एक्शन एक्शन कौन सी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट ये, स्टेट है, ये स्टेट कौन सी बोलो बच्चों परफेक्ट है और विल शेल क्या बताएगा? ये है। बच्चे आपको वेरी गुड अब देखिए यहाँ पे विल शेल क्या बताएगा? आपका टाइम ऑफ एक्शन और ये प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताती है, बोलो, ये है, स्टेट. ठीक है? अब यहाँ पे विल शेल क्या बताएगा टाइम ऑफ एक्शन और बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या बताएगी बोलो ये बताएगी आपकी कॉन्टिन्यूस स्टेट यहां पे शेल क्या बताएगा ये बताएगा आपका टाइम ऑफ एक्शन और, और वन क्या बताएगा आपकी सिंपल स्टेट ये है पूरी गहराई के साथ। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक कमाल का मजा आया होगा कचा बदाम है <laughs> कमाल के आजकल के गाने एक हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों एक जमाना था जब लोग गाना सुन के रोते थे और आज भी गाना सुन के ही रोते हैं लेकिन पहले गाना सुन के रोते थे क्योंकि थोड़ा बहुत दिल को वह उसके जो अल्फाज का असर था वो दिल को छेड़ देते आज भी बंदा रोता है गाने वालों पर गाते क्या है सही है सही है सही है सही है क्या सर सही है आप इतना कमाल पढ़ा रहे हैं तभी तो गा रहा हूं सही है सही है तो यहां तक हम समझ गए कि जो हमारे पास बारह है उन बारह के अलग अलग को हमने नोट किया है आपके खोल -खोल अकेडेमिक आप के लिए भी जरूरी है और कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव में सबसे टॉप लेवल पे जो आपका सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए लेक्चर कमाल और बिंदास है क्योंकि इसमें इतनी डिटेल है मुझे लगता ही नहीं कि YouTube के सारे डेटा बेस में इतनी डिटेल आपको मिलेगी अब आगे देखते जाइएगा अगर वर्ड सही निकले मेरे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में घंटी का बटन है दबा दीजिए ताकि आप हमारी वीडियो पहले देखिए और बिल्कुल फ्री ऑफ द दे कॉस्ट देखे चलिए आगे जो हम पढ़ने वाले हैं मेरे निक्की निके बच्चों प्रेजेंट को हम डिटेल से पढ़ेंगे में नंबर कौन सा आएगा प्रेजेंट सिंपल सिंपल सबसे पहले अगर हमारे प्यारे बच्चों को बोला जाएगा टेंस क्या होता है ये बोलेंगे सर टेंस वो सिंटेक्स होता है जो दो चीजें बताएगा टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन

चौथा क्या होता है गोइंग पांचवा क्या होता है गोस कुछ लोग जब हमें ऐसे पढ़ाते हुए देखते हैं ना बोलते है, सर तुम तो नर्सरी वालों को पढ़ाते अरे क्या नर्सरी वालों को पढ़ाते हैं इंग्लिश तो बेसिक यही रहेगी ना मैं कोई दादू से इंग्लिश बोल के बोलूंगा आई कैन वॉक इंग्लिश आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन ईट इंग्लिश है नहीं ना ये तो बेसिक रहेगा कल को आप जो मैथ पढ़ते हो ना तो क्या मैथ में बोलते हो सर ये वन टू थ्री फोर क्या बोलते हो कुछ और बोलो है तो बेसिक तो बेसिक ही रहेगा गो क्या है बोलो गो की बेस फॉर्म वेंट क्या है इसको बोलते हैं अंग्रेज का बच्चा बोलते हैं इसको इसको ईडी ईडी फॉर्म फॉर्म बोलो क्या गॉन को पास पार्टिसिपल फॉर्म बोलिए क्या बोलते हैं और ये जो गोइंग है इसको बोलते हैं आई एनजी फॉर्म क्या बोलते हैं इसको आई एनजी फॉर्म और ये जो गोज है इसको बोलते हैं एस या एस फॉर्म ये मैं नहीं बोलता हूं ये अंग्रेज का बच्चा बोलता है समझ में आ रहा है ये गो है बेस फॉर्म यह है ईडी फॉर्म और यह है पास पार्टिसिपल फॉर्म ये गोइंग क्या है आईएनजी फॉर्म है ये ई और एस क्या है वो क्या है एस क्या है एस फॉर्म है मैंने सोचा आपका जो बेजा होता है ये ऑलरेडी फुल है ऑक्यूपाइड है आपको यहाँ मेमोरी वो जो है चिप लगाने की भी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है आपके पास दिमाग माशाल्लाह कमाल का, का है लेकिन आपने इसको भरा हुआ है तो मैंने सोचा

तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जब भी लिखना होगा तो मुझे मेरे पास तुमको जो अवेलेबल है एक है गो दूसरा है गोस बोलो है सच में है कि नहीं एक है डू दू, दूसरा है डस एक है स्लीप दूसरा है स्लीप्स एक है वॉक दूसरा है वॉक्स इसका मतलब ये होता है मेरे पास जब भी फ्यूचर सिंपल टेंस लिखेगा तो एग्जाम्पल में मैं ये, ये, ये वर्ब की, की, की पहली फॉर्म है सारे वर्ब की मैंने आपको पढ़ाया था वर्ब की पहली फॉर्म पढ़ाया था सर आपने तो पढ़ाया नहीं था ये तो दूसरा लेक्चर था सुन लो ना वी वन को बोलते हैं पुलर फॉर्म क्या बोलते हैं बच्चों पुलर फॉर्म और वी फाइव को क्या बोलते हैं बोलो सिंगुलर फॉर्म क्या बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म आपको थोला थोला समझ में आया या पूला पूला समझ में आया पूला पूला? हाँ पूला पूला में। एक शायर क्या लिखता है क्योंकि बीच में शेर शायरी भी होना बहुत जरूरी है वरना। आपको मजा कैसे आएगा राजे उल्फत छुपा के देख लिया वाह 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 राज उल्फत छुपा के देख लिया दिल बहुत कुछ जला के देख लिया और क्या देखने को बाकी है आपसे दिल लगा के देख और क्या देखने को मियां बाकी है आपसे दिल लगा के देख लिया और क्या देखने को बाकी है आपसे दिल लगा के अरे बोलिए देख लिया प्यारे बच्चों यहां तक आपने नोट करा है आगे चले इजाजत है

आइए पहले मैं ये मसला हल कर देता हूं ये सिंगुलर पुलर का क्या है आपने बच्चों नाउन पढ़े ना बोलो पढ़े हैं ना में आपने पढ़ा है एक तो पढ़ा है आपने सिंगुलर और दूसरा पढ़ा है पुलर पढ़ा है ना सिंगुलर और पुलर आपने पढ़ा बच्चों बॉय बोलो क्या आएगा बॉयज आपने पढ़ा गर्ल आपने पढ़ा गर्ल्स आपने पढ़ा चलो हैं। सर कितना हंसाते हैं, है ना कुछ लोग जो अंग्रेजी ज्यादा जाड़ते रहते हैं वो कहते हैं क्या गर्ल Girl, गर्ल्स एक होता है गाय गाइस कुछ लोग जो ज्यादा अंग्रेजी जाड़ते हैं ना तो उनका आप बोलने का एक्सेंट ही कुछ होता है चलो चलो गाइस चलते हैं हस लो हस लो यही तो दिन के हैं तो मैंने कहा आप सुनिए मुस्कुराते के साथ पढ़ना कमाल का है बॉय के साथ जब लास्ट में एस लगा तो क्या बना बॉयज यानी कि ये बॉय सिंगुलर था और अब क्या बना ये प्लूरल बना है ठीक है और हम हमने पढ़ा क्लास क्लास सिंगुलर है एस करेंगे तो क्या बनेगा

बी बीवी है अरे वाइफ की बात कर रहा हूं वाइफ वाइफ हाँ नाइफ नाइफ चोर चोर नहीं चोर थीफ थीव इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे भी ग्रामर में वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एस और ई नहीं लगता है जो इस तरीके से लगते समय आया वेरी गुड अब मैं बात करूंगा वर्ब की आपको मजा आ रहा ना बोलो दिल से वर्ब वोब की बात में कर रहा हूं वोब में भी होता है बोलो एक होता है बच्चों सिंगुलर एक होता है पुलर सिंगुलर और पुलर होता है वोब में भी मैंने कहा सर कैसे होता है अंग्रेज का बच्चा बोलता हाई जो नाउन में पढ़ा उसका उल्टा पढ़ ले मैंने कहा क्या कह नाउन में पड़ा बॉय सिंगुलर बॉयज पुलर तो वर्ब में उल्टा ये है लास्ट में जिसके साथ एस या एस लगेगा वो होगा बोलो क्या वो पुलर होगा वो तो सिंगुलर होगा हाँ उल्टा तो बोल ना यानी कि नाउन में जिसके साथ एस और एस होता है वो होता है पुलर वर्ब में जिसके साथ एस और एस होगा वो होगा सिंगुलर बोलो समझ में आया कि नहीं आया जब क्या होता है मतलब अंग्रेज का बच्चा बोलता है कि प्लेस है सिंगुलर है प्ले क्या है बोलो पुलुलर है डेंस क्या है डेंस अंग्रेज के बच्चा बोलता है सिंगुलर है और डेंस क्या है पुलुलर है अब है वॉक्स क्या है ये वॉक सिंगुलर है और वॉक क्या है पुलुलर है बोलो सबको समझ में आया है वेरी गुड इसको शॉर्टकट में मैंने बता दिया वो की जो पहली फॉर्म होगी बोलो वो की पहली फॉर्म को हमेशा रखेंगे पुलुलर में और वो की फिफ्थ फॉर्म को क्या मानेंगे सिंगुलर में यहां तक सबको समझ में आया है कमाल का मजा आ रहा है बहुत बढ़िया सर दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं होती पुम पुम। इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती तरम बम 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 वो मेरे हो के भी मेरे न हो आए हाय वो मेरे हो के भी मेरे न हुए उनको अपना बना के देख लिया वो मेरे हो के भी मेरे न हुए उनको अपना बना के देख लिया और क्या देखने को बाकी है आपसे दिल लगा के देख लिया प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आया है आइए आगे पढ़ते हैं

मैं क्या बता रहा हूं सुनिए मैं बता रहा हूं आपको सुनना है अभी तक प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने पहला सिंटेक्स पढ़ा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म फिफ्थ फॉर्म प्लस आएगा ये हम समझते हैं इधर मैं एक मसला हल कर लेता हूं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बोला सर आपने ये क्या है पुलर है और वी फॉर्म क्या है ये सिंगुलर अभी सर ने बोला ना हाँ, बोला दिया सर आपने अच्छा जी मेरे प्यारे प्यारे देवियों सजनो सुनो ये पोलुलर है ये सिंगुलर है अब हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है बोलो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट क्या होता है ये पता है ना सब्जेक्ट हम बोलते हैं इसके दो डिफिनीशन है नंबर वन डूअर ऑफ एन एक्शन दूसरा होता है होम वी टॉक अबाउट यहां तक आपको समझ में आया बोलो बच्चों सब्जेक्ट में जो पहली डिफिनिशन है वो है डूअर ऑफ एन एक्शन दूसरे में क्या होता है हु वीटॉक अभाव कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं ना टकरे मारते डूअर ऑफ एन एक्शन डोअर ऑफ एन एक्शन का मतलब होता है काम करने वाला शख्स जो बंदा काम करे जैसे मैं काम कर रहा हूं क्या काम कर रहा हूं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं इससे बढ़कर और कोई काम है क्या पढ़ाना आपका करियर बनाना अरे अपने देश की अपने कौम का नाम रोशन करना है ना टीचर इज ए बिल्डर ऑफ नेशन हमेशा हमें चाहिए जो भी फैकल्टी पढ़ाती है लेक्चर है टीचर प्रोफेसर है चाहिए कि हम बच्चों को पढ़ाते साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी सिखाएं जब आप इन्हें मॉरल एजुकेशन भी सिखाएंगे तो ये बच्चा कल अपना नाम भी रोशन करेगा अपने घर का नाम भी रोशन करेगा अपनी कौम का नाम भी रोशन करेगा सुनिए डोर ऑफ एलेक्शन का मतलब होता है काम करने वाला शख्स टॉक अबाउट का मतलब होता है जिसके बारे में हम गल करें दिल दिया गल्ला जिसके बारे में हम बात करेंगे उसे क्या कहते हैं दो उसके बाद सब्जेक्ट मैं यहां पर दो एग्जाम्पल देता हूं मैं यहां पर दो एग्जाम्पल देता हूं आइए आइए तस्वीर लाइए मैं यहाँ पर देता आई आई लव यू आई लव यू माई स्टूडेंट्स आई लव यू माई स्टूडेंट्स यहां पर क्या मैंने लिखा आई क्या है आई मेरे प्यारे बच्चों जो है आप सभी तवज्जो रखिएगा मैंने क्या कहा आई जो है आई सब्जेक्ट है आई सब्जेक्ट है ये लव क्या है बोलो ये लव वर्ब है You, you में my students मैंने क्या रखा यह ऑब्जेक्ट है object. अब मैंने कहा ये जो आई है ये सब्जेक्ट है subject का मतलब होता है जो काम करता है अब यहाँ पे काम तो है ही नहीं ना काम करने की डेफिनेशियन तो तब होगी जब ये वर्ब एक्शन बताएगा और लाओ में एक्शन कोई नहीं है यहां पर स्टेट है सब्जेक्ट की यहाँ पे दिल की कंडीशन की बात हो रही है दिल दिया गल्ला करेंगे नाल बहके

क्योंकि तो अभी आपकी सीट बुक नहीं है इसलिए आपने मुझे ही कहा है <laughs> चलिए आगे आगे सुनो क्लियर हुआ टॉक चलो हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते हैं ये मैंने आपको बताया सब्जेक्ट की है अब मैं यहाँ पर जो प्रेजेंट सिंपल टेंस बता रहा हूं, ये सब्जेक्ट की डिफिनीशन को खोल कर मैंने बताया डोर और होम में क्या फर्क है अगर डोर की बात करेंगे तो मैं कहूंगा आई वॉश यूटेंसिल्स हाँ पाने हाँ पांडे मांझे तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो फिर पांडे जब पांडे मानिएगा तो फिर ये तो दूर दिखेगा ही कि ना ये बंदा काम कर रहा है आई का डिफिशन बनेगी डोर ऑफ एन एक्शन ओके तो यहाँ पे जो वॉश होगा ये होगा एक्शन वर्क वेरी गुड अब आगे सुनते जाइए ये तो हमारे पास इतना हुआ है आगे चलते हैं ये आप नोट कीजिएगा ठीक बच्चो? है बच्चों कहते हैं एक शायर ने लिखा है क्या लिखा है एक शायर ने लिखा है कहते दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं होती दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती क्या दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती क्या बात है सुनिए आगे अब मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं सबसे पहले मैंने लिखा था प्रेजेंट सिंपल में तो सुनना। के बना, key, form, form, फिर मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म होती है plural, और ये होती है सिंगुलर अब मैं बात कर रहा हूं की. की मैंने बात करी इसको मैंने एक्सप्लेन किया है अब मैं बता रहा हूं सब्जेक्ट में हमेशा नाम नहीं आता है इसमें आते हैं प्रोनाउन क्या आते हैं प्रोनाउन अब प्रोनाउन की डेफिनेशन ये होती है प्रोनाउन बच्चों प्रोनाउन वो होता है इट इज ए ग्रामेटिकल वर्ड दोस्त है इनका नाम शर्मा जी है मैंने कहा शर्मा जी वसीम भाई शर्मा जी भाई मैंने इनको कहा इनको बुलाया मैंने अब मैं बार बार से बोलूंगा मेरे शर्मा भाई प्यारे भाई यूर शर्मा जी इज माई स्टूडेंट शर्मा जी इज माई नेबर शर्मा जी इज माई दिस वसीम वसीम इज इज फ्रेंड, नेबर। तो ये बार बार बोलेंगे, बार बोलेंगे सर, इतनी आप नाम ले रहे? क्या करें इन ऑर्डर टू अवॉइडन ऑफ नाउन नाउन की रिपीटन को चेंज करने के लिए प्रोनाउन आ गया है तो मैं कहूंगा मैं कहूंगा जुबैर मैं कहूंगा जुबैर यहाँ हमारा शर्मा शर्मा इज माई

अब सर यहां पर मुझे जो जरूरत है वो है नॉमिनेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह लेता है कौन किसकी जगह नेम ऑफ पर्सन नेम ऑफ प्लेस नेम ऑफ एनिमल नेम ऑफ ऑब्जेक्ट कितने बोले सर ने नेम ऑफ पर्सन किसी भी नाम के जगह पर जो प्रोनाउन आएगा उसे हम कहेंगे बच्चों नॉमिनेटिव प्रोनाउन क्या बोलेंगे नॉमिनेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव प्रोनाउन वो होता है जो पर्सन की जगह पर आएगा प्लेस की जगह पर आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा इनके नाम के बदले में आएगा उसे हम नॉमिनेटिव कहेंगे अब ये नॉमिनेटिव भी दो तरह का होता है सर कितनी गहराई से बताएंगे उतनी गहराई से बताएंगे कि आपका एग्जाम देख कर पास हो जाएगा सुन लीजिए आगे नॉमिनेटिव प्रोनाउन हमारे पास दो तरह का होता है एक का नाम है सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन दूसरे का नाम होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हम कहते हैं में आता है आई वी यू यू ही शी इट और दे और उसके बाद मैंने कहा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आता है आई का आएगा मी वी का आएगा अस यू का आएगा यू यू का आएगा यू ही का आएगा हिम शी का आएगा हर it का इट they का आएगा इट दे का आएगा देम ये बहुत जरूरी है ये आगे नरेश में भी काम आएंगे एक्टिव पैसिव में भी काम आएंगे सो बी अटेंटिव माय डियर स्टूडेंट्स आई वी यू यू ही दे ये हमारे पास सब्जेक्ट सवाल ये उठता है सर ये तो बताइए इन्हें सब्जेक्ट क्यों कहा गया है उन्हें ऑब्जेक्ट क्यों कहा गया है असल में हमको बताना है सिंपल टेंस सर इतनी गहराई में क्यों गए हैं इसलिए ताकि जो मैं समझाना चाहूंगा वो परफेक्टली समझ में आ जाएगा इनको सब्जेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं नाम है सब्जेक्टिव नाम है सब्जेक्टिव बाय द सब्जेक्टिव वी मीन ये वो प्रोनाउन होते हैं जो हमेशा सब्जेक्ट की जगह को करते हैं कौन सी जगह लेते हैं बोलो बच्चों करते हैं सब्जेक्ट की जगह लेते हैं और ये कौन से होते हैं सर ये वो होते हैं नाम ही खुद बोलता है ये ऑब्जेक्ट की जगह को ऑक्यूपाई करते हैं सर थोड़ा समझाएंगे इसको हाँ बिल्कुल समझाते हैं मैं कहूंगा अपने मैंने कपड़े धोए थे धोए मैंने कपड़े थे मैंने कपड़े धोए थे धोए मैंने कपड़े थे ये सुना है मैंने कहा तो था मैंने कहा एक जमाना था गाने सुन के लोग रोते थे वो भी दौर था आज भी गाने सुन के रोते थे बस फर्क इतना है पहले गाने के बोल सुन के रोते थे क्या लेकिन अच्छा है हमें ग्रामर समझाने में हेल्प होती है हमने कहा आई वॉश माई क्लोथ मैंने कपड़े धोए थे फिर गाना आगे आता है क्लोथ्स आर वॉश बाय मी सुनिए ध्यान से मैंने कहा आई वॉश माई क्लोथ्स क्लोथ आर वॉश बाई मी सुनिए आई क्या बनेगा आई क्या है यह सब्जेक्ट अब बोलो सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन आया क्या बोलेंगे उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन तो आई ने जगह ली है सब्जेक्ट की बोलो दिल से सब्जेक्ट यहाँ पर है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह आई आया तो हम क्या कहेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन है अब जरा देखिए ये है ये क्लोथ क्या है क्लोथ तो वो है जिसपे हमने काम किया है क्लोथ हमारा ऑब्जेक्ट है है ना बच्चों क्लोथ ऑब्जेक्ट है और ये जो हमारा मी है ये तो सब्जेक्ट है राइट मगर अंग्रेज का बच्चा बोलता है इंग्लिश जब भी लिखेंगे वो हम लिखते हैं लेफ्ट राइट लेफ्टिश लिखते हैं लेकिन यहां पर क्या हुआ यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया लेकिन असल में जगह किसकी बोलो असल में ऑब्जेक्ट था? था क्या था ऑब्जेक्ट था क्योंकि एक्चुअली जब भी इंग्लिश लिखते हैं आप यहाँ से लिखते हैं आई लव यू आपने नहीं कभी नहीं कहा है यू लव आई ऐसे बोलते है नहीं ना बोलते तो जब भी आप लिखते हैं यू ऑलवेज बिगिन विद सब्जेक्ट तो असल में ये जगह सब्जेक्ट की थी किसने जगह ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट असल की जगह ऑब्जेक्ट की तो ये जगह लेता, लेता है तो इसीलिए तो मजा आया बच्चों शाबाश हमारे पास यही है कि ये तो ऑब्जेक्ट की जगह जो लेगा उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे सब्जेक्ट की जगह लेगा उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे अब मुझे समझाना क्या है

थोड़ा थोड़ा सुन में आया या पुला, पुला 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 सुन में आया ठीक हो ये यहां तक क्लियर हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं आपने नोट करना है तो बच्चों नोट कीजिए चलिए आगे अब सुनिए हमारे पास मैंने कहा आई वी यू यू ही शी इट और दे ये मैंने कहा ये सब्जेक्ट बनाने आइए इनके बारे में

ठीक है तो यहां पर आप एक एक मैसेज एक मॉरल मैसेज याद रखिएगा मैं आपको समझाता हूँ लोग ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं सभी की बात नहीं कुछ थोड़े बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत होती है बैक बाइटिंग करना कहीं झगड़ा नहीं हुआ है एक की बात दूसरे को बताना और उसकी बात सुना दी तो ऐसा होता है कि दिलों में वो आपस में मोहब्बत के बजाय नफरतें पैदा करते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि अगर हम कोई बुरी बात भी सुने तो हम अपने सीने को इतना बड़ा करना चाहिए क्यों किसी को सुनाए ताकि उसकी दिल आजारी हो जाए हमें अपने दिल को इतना समुंदर बनाना चाहिए अगर किसी अगर मुझे कोई ये कहता कि ये बच्चा अच्छा नहीं है मैंने सुन लिया इसको सुनाना क्यों है ताकि ये आपस में दूर हो जाए नहीं हमें ऐसा करना है तो मैं अगर इस वक्त झूठ भी बोलूंगा उन दो को मिलाने के लिए इस पर भी मुझे रिवार्ड मिलेगा क्योंकि मैं दो दिलों को जोड़ने का काम कर रहा हूं तोड़ने का काम नहीं कर रहा हूं इस तरीके से काम करना है दोस्तों मैंने कहा फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात शुरू करता है जिससे बात करता है सेकेंड पर्सन होता है जिसकी बात करता है वो थर्ड पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन होता है स्टार्टर ऑफ कन्वर्सेशन बात शुरू करने वाला जिससे बात करता है सेकेंड पर्सन होता है जिसकी बात करता है थर्ड पर्सन होता है यहां तक आप समझ गए वेरी गुड

क्या लिखता है आई को लिखता है इट इज एक्सेप्शनली पुलर अब प्यारे छोटे बच्चों हम ये क्या समझेंगे एक्सेप्शनली का मतलब ये होता है ये आई वैसे यूजुअली पुलर नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम है मैंने कहा की प्रॉब्लम है हाँ आखो तो सही कह रहा है ये जो आई है ये प्रेजेंट में हमेशा आपको क्या लेना है पुलर लेना है और पास्ट में इसको क्या लेना है सिंगुलर लेना है यह है अंग्रेज का दिमाग इसका मतलब शायद मैं इतनी किताबें खंगाल खंगाल के थक गया मैंने सोचा कि इसको मैं देखूंगी एक्सेप्शनली का मतलब क्या है आखिर यही समझा अंग्रेज हमें यह समझाना चाह रहा है कोई मसला नहीं है अगर तुम आज कल्ले है तो कोई बात नहीं तू कल्ला ही सोना नहीं आगे कुछ ना कुछ तेरा हो ही जाएगा तो तू टेंशन मत ले ठीक है पास्ट में तो सिंगल था लेकिन कोई मुश्क, मुश्किल नहीं है करियर तुम्हारा बन जाएगा एग्जामिनेशन पास होगा आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करेंगे उसके बाद सिंगल से फलूलर आप मुझसे ज्यादा समझने वाले लोग हैं चलो कोई नहीं हंस लो ये हो गया ना इतना अच्छा जी अब मैंने क्या कहा अब आप नोट कीजिए मैंने कहा सर आई वी यू और दे ये चार पुलुलर है और एग्जामिनेशन में हमेशा मान के चलिएगा यू को आपने एज ए पुलर ही मानना है सिंगुलर नहीं मानना पुलुलर मानना है एग्जामिनेशन में और ये सारे क्या है पुलुलर है क्या है पुलुलर है और फिर हमने पढ़ा आपको सिंपल मैंने कहा होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है ये सिंपल टेंस मैंने कहा ये v1 होता है पुलर ये वर्ब की पुलर फॉर्म है और ये वी फाइव होता है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है आइए सर इतना जो आपने इतना में इतना कुछ पढ़ाया है काहे पढ़ा रहे क्यों आप पगला गए थे नहीं नहीं मेरे बच्चों पगला नहीं गया था मैं समझा रहा था कि कहीं एग्जाम में आप पगला ना जाए मैं ये कह रहा हूँ हम अंग्रेज अंग्रेज कहता है कहता है सब्जेक्ट और वर्ब ने आपस में एक दिन ये गए हैं मुलाकात करने एक दूसरे से सब्जेक्ट और वर्ब जो है एक दूसरे से मुलाकात करने के लेकिन ये इतने शरीफ लोग हैं ये माँ बाप से पूछ के गए थे ये माँ बाप के बिना नहीं गए थे तो हाँ इन्होंने क्या पहले अपना करियर बनाया उसके बाद फिर उन्होंने माँ बाप को बोला कि ये हमारी पसंद है माँ बाप ने कहा हमें कोई टेंशन नहीं है आपकी जिंदगी खुशहाल रहे हम तो हमेशा आप ही का भला चाहते हैं माँ बाप तो कब चाहते हैं कि वो अपने लिए कुछ करे वो तो चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए जब भी आप माँ बाप की कोई बात सुने तो मेरे दोस्तों सुनने वाले सभी हमारे स्टूडेंट्स माँ बाप की बात को तबजुस करें क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है एक एक फिलोसोफर ने लिखा है मां-बाप के चेहरे पर जो एक जुर्री होती है एक रिंकल होती है उसमें तुम्हारे आने वाली जिंदगी के दस साल का तजुर्बा होता है ए रिंकल ऑन ए फेस ऑफ योर फादर और मदर इट दिस कीप्स एन इंफॉर्मेशन एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स दैट यू लिव एंड

जो जो चाहे चाहे वो दूसरा दूसरा माने माने कभी जो चाहे, हम उनकी माने। इसी प्यार आप देखो ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है इसने कहा जब मैं फील्ड में तो मेरी तरह रहे। कहा, मेरी तरह इसका मतलब क्या है इसने कहा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो क्या हो आप बताओ ना जब ये सब्जेक्ट कल्ला होगा तो ये किसके साथ रहेगा अरे वो भी तो कल्ला ही होना चाहिए ना आप सब्जेक्ट प्लूर है तो वो भी क्या आएगा ये अंग्रेज का बच्चे बोलते मैं नहीं बोलता सब्जेक्ट सिंगुलर तो वह भी सिंगुलर सब्जेक्ट पुलर तो वह भी पुलर ये आपस में एग्रीमेंट हुआ क्या हुआ है एग्रीमेंट हुआ है सब्जेक्ट ने कहा मैं सिंगल तू भी सिंगल मैं पुलर भी सर इतना जो अभी तक तो जो बता रहे थे ना ये समझाने के लिए देखो दोस्तों तो में, में कहा वर्ब की आएगी, एक लगेगी, तो अपने साथ वी वन लेंगे या वी फाइव ये आपस में वी वन और बचा गया सिंगुलर है क्या है सिंगुलर है तो ये अपने साथ क्या लेंगे वी फाइव फॉर्म इतना जो मैंने अभी तक बोला खुद को थकाया बस ये जुमला समझाने के लिए दोस्तों ये जितने भी ये प्लूरल फॉर्म है ये v1 लेंगे अपने साथ और ये जो है ये लेंगे v5 अपने साथ मैं इसकी दे देता हूँ सुनो मेरे प्यारे बच्चों सुनिए मैं कहूंगा आई डैश फूड नीचे ऑप्शन दिया है कुक दिया है कुक्स एक लिखा है ही डैश क्लोथ नीचे दिया है वॉश फिर दिया है वॉश अब देखो एक मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अब इजीली बोल सकेगा बोलेगा सर ये आई जो है ये तो पुलर है क्या है ये आई क्या है ये पुलर है प्रेजेंट में तो इसमें की फर्स्ट फॉर्म लगेगी पुलर है और वो ये जानता है कुक्स जो है ये सिंगुलर फॉर्म है ये वी फिफ्थ है ये वी वन है तो बच्चा मेरा बोलेगा आई के साथ हमेशा क्या लगेगा कुक्स तो बोलेगा आई कुक फूड ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर छोटा बच्चा भी हमारा लेक्चर सुनेगा जो क्लास पढ़ने वाला होगा वो भी ग्रामर सीखेगा ऐसी कमाल बोलेगा अब टेंसेस समझेंगे हम, हम सबसे ज्यादा जिनका पढ़ाने आए हैं इंजीनियर सही साधा

<laughs> समझ रहे ना असल में ये होता है आई के साथ आएगा कुक पी के साथ आएगा वॉश वो क्यों आएगा वो सर ने बता दिया बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हाँ ये तो होगा यहां तक सही इसके बाद और बीच में गहराई है अभी तो ये सिंपल सिंपल प्रेजेंट है दोस्त तो क्या है सिंपल प्रेजेंट है आगे आगे देखिए कितना कमाल हो रहा है कितना आप समझेंगे आप तो अंग्रेज की भी बाप बनेंगे अंग्रेजी पढ़ पढ़ के सुनिए अब आगे देखिए तो हम समझ गए प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हम थोड़ी गहराई से समझ गए इसमें सिंटेक्स क्या होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और तो मेरे बच्चों याद रखिएगा ये जो सिंटेक्स है ना ये सिंटेक्स जो है ये ओनली एसर्टिव एफर्मेटिव सिंटेक्स है अब देखो जब तक मैं बच्चे को ये समझाऊंगा नहीं ये एसिड क्या होता तो है क्या समझ में आ जाएगा देखो अगर मुझे ये कहना होगा ना आई आई कुक फूड हम खाना बनाते हैं कभी लाइफ में मैं मत बोलिएगा हम खाना बनाते हैं मैं आपको इस पे एक कहानी सुनाता तो हूँ जो सुनिएगा बहुत बड़े इस्लाम स्कॉलर थे वो अपनी जिंदगी में कभी मैं नहीं बोलते थे क्योंकि मैं एक ऐसा लफ्ज होता है इसमें ईगो आ जाती है मैं के अंदर एक अकड़ है कि ये वर्ड ऐसा है, है कहते ना मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा हाँ एक इंसान कितने बार ये जुमला कहते हैं मैं ये करूंगा तू क्या करेगा तुझे तो अपनी आंख दूसरी सांस का नहीं पता है तो गुस्से में आके ऐसे बोल मत बोला करे अपने आप को झुकाव में रखो अपने आप में नदामत पैदा करो क्योंकि इनकी सारी आजी डाउन टू तो द अर्थ होना ही ये बात की दलील है कि आप नॉलेजेबल है आप एडुकेटेड है वो वो नॉलेजेबल कैसे हो सकता है जो अपने आप को बड़ा अफलातून मानता है ज की सबसे बड़ी पहचान ये है एडुकेशन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि स्कॉलर होने की पहचान ये है कि वो बंदा ये कहे मैं तो कुछ भी नहीं तो एक ग्रेट सूफी स्कॉलर थे वो कभी जिंदगी में मैं नहीं कहते थे एक एक पब्लिक में जब वो स्पीच दे रहे थे तो एक यंगस्टर आया उसने शरारत करी उसने कहा आज तो मैं इनसे मैं बुलवा के रहूंगा आज तो मैं बुलवा के रहूंगा उस उन्होंने उसने सवाल करा कहा आप मुझे बताइए पीर साहब वो कौन सी चीज थी जिससे शैतान जो है उसको अल्लाह ने कहा कि जाओ मेरी बारगाह से दफा हो जा वो कौन सी चीज थी वो ये था उसका जवाब मैं था मैं था तो वो जो सूबी स्कॉदर है उन्होंने मैं नहीं कहा उन्होंने कहा चलो एक काम करो हम नमाज पढ़ लेते नमाज के बाद जब दोबारा हम यहाँ पे बैठेंगे महफिल सजाएंगे तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ अब जब नमाज पढ़ी उसके बाद दोबारा आ गए अब सुनना ये प्यार मैसेज दे रहा हूँ मैं आपको म्यूचुअल हा की तो जब वो आ गए ना दोबारा बैठ गया आपने पूछा वो कौन सा आदमी था जिसने सवाल करा था उसने कहा था मैं कहा इसी चीज ने समझ रहे आप कहा वो कौन सा बंदा जिसने सवाल करा था कहा मैं कहा यही वो चीज थी जिससे एक जिन एक जिन सैटन बन गया एक जो एंजेलस को पढ़ाने वाला आदमी था वो शैतान बन गया क्यों उसके अंदर बहुत ज्यादा अकड़ थी द इस्लामिक Uh, में ये बता रहा आपको तो कहने का मकसद ये है मेरा है कि मैं जो है ना ये इंसान को खराब कर देती है अपने अंदर बिल्कुल डाउन टू फीलिंग लाओ हर एक का सम्मान करो वी रेस्पेक्ट ईच इन एवरी रिलीजन एवरी रिलीज प्लेस एवरी पर्सनल सेंटीमेंट इमोशनल यही मैसेज है मैं आपको दे रहा हूँ तो मेरे दोस्तों हमेशा इस चीज को फॉलो करिए आप कल ऑफिस में होंगे अकड़ नहीं दिखानी है कोई भी बंदा आया है आपने अपनी चेयर उसको देनी है ये जानना है कि चेयर मेरे पास हमेशा नहीं रहेगी आज जवान हो कल तो बूढ़ा हो जाऊंगा हो सकता है तो दोस्तों मैं का मतलब है आई कुक फूड मैं मैं ये बात चली थी मैं पे तो हम यहां इसको कहेंगे हम खाना बनाते हैं कि, देखो कितना हम में तो और भी जाता है हम खाना बनाते हैं मैं खाना बनाता हूँ ये है सब्जेक्ट यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यह ऑब्जेक्ट सही है ना यहां तक तो क्लियर है अब देखिए मुझे बोलना होता है कि मैं खाना नहीं बनाता हूं तो क्या बोलेंगे आई डू नॉट कुक फूड अब देखो ना ये तो बच्चे को समझाना है मैंने कि भाई ये ये तो सर आपने तो सिंटेक्स ही पढ़ाया ये कहां से आया इसको समझाने के लिए आइए पहले हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं सेंटेंस आप दोस्तों देखो मैं मेरी आदत एक है मैं एक एक चीज को पूरा क्लियरिफाई कर लेता हूं ताकि आप बच्चों को जर्रा बराबर कभी कहीं डाउट ना आ जाए जर्रा बराबर कभी डाउट कहीं ना आ जाए तो बस प्यार मोहब्बत को हमेशा याद रखिए कौन प्यार मोहब्बत सज्जे पासे वाला सुनिए सेंटेंस इसका मतलब क्या है सेंटेंस में कह रहा हूं सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज वर्ड्स इसमें होना चाहिए कंप्लीट सेंस दूसरा होना चाहिए ग्रामेटिकली करेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस ग्रामेटिकली करेक्ट ये याद रखना आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस एंड ग्रामेटिकली करेक्ट तब जाके सेंटेंस होगा सिर्फ कंप्लीट सेंस मत बोलिएगा ग्रामेटिकली करेक्ट होना भी जरूरी है अब ये सेंटेंसेस हमारे पास टेन टाइप्स होते हैं इसमें नंबर टाइप आएगा इसका एसर्टिव सेंटेंस दूसरा आएगा हमारा इसमें इंट्रोगेटिव। तीसरा हमारे आएगा इसमें एक्सक्लेमेटरी चौथा आएगा इसमें हमारा उसको बोलते हैं इंपेरेटिव और पांचवा इसमें हमारा पास आएगा उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव हमारे पास बेसिक फाइव टाइप्स ऑफ सेंटें ये हमारे पास बेसिक फाइव सेंटेंसेस है हमें लगता है कि यहां से जो है वो कल के लेक्चर में कंटिन्यू करा जाएगा तो आखिर में इन अशार पर मैं आज के लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ एक शायर ने बहुत ही खूबसूरत एक शेयर लिखा है लिखा है आप बच्चों के लिए ये एक शेर है कि हम चाहते हैं आपके अंदर एनर्जी बरकरार रहे आप मेहनत और लगन के साथ अपना अपने घर का और अपने देश का नाम रोशन करें तो ये जज्बा आपके पास होना चाहिए मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर ये नहीं कि आज आपने एग्जाम पास किया एक ही लगे रहो आपने सोचना है कि मेरी इससे और बढ़े जब आप कल एक डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप इतनी अच्छी अपनी दे, आपकी प्रमोशन हो जाए, फिर और आगे बढ़े आप मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर दरिया तो समुंदर तलाश कर दरिया में बस नहीं करनी है समुंदर तलाश कर मंजिल से आगे बढ़कर तो मंजिल आगे तो तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर यूं तो शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से यू तो शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से अरे पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर तो मेरे प्यारे देखने वाले सभी हमारे स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ विशेष आपके लिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने पेरेंट्स की बहुत खिदमत कीजिएगा ओके आई विश ऑल द